वीडियो के लास्ट पर यूट्यूबर्स के कुछ सीक्रेट फायर बटन साइज को भी बताया गया है। मैंने कुछ दिनों पहले जब बेस्ट सेंसिटिविटी की वीडियो बनाई तो उस वीडियो को बनाने के बाद अधिकतर बंदों ने बस एक ही चीज कमेंट किया, किसी ने लिखा बेस्ट फायर बटन साइज कब आएगा। लेकिन एक महान प्राणी ने लिखा डायनासोर वीडियो बनाओ 4GB रैम के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, ये लो आ चुका है डायनासोर वीडियो। साले तू, अरे मतलब बेस्ट फायर बटन साइज की वीडियो। तो चलो जानते हैं कि बेस्ट फायर बटन साइज हमें क्यों रखना चाहिए। तो देखो ध्यान से समझना, अगर तुम लोग अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट फायर बटन साइज रखोगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। नंबर वन, अगर तुम लोग एक गलत फायर बटन साइज रखोगे तो तुम्हारे सारे गन्स से काफी ज्यादा रिकॉइल्स होगी। नंबर टू, गन्स की ज्यादातर बुलेट्स बंदे पर कनेक्ट नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा बुलेट्स बंदे पर मिस हो, लेकिन एक बेस्ट फायर बटन साइज को रखने पर तुम्हारे रिकॉइल बहुत ही कम होगी। सही बात है। नंबर थ्री, तुम्हारे किसी भी गन से गजब के हेडशॉट्स भी लगेंगे, लेकिन हेडशॉट्स तभी लगेंगे जब फायर बटन साइज परफेक्ट हो। सो इसीलिए अगर तुम्हारा मोबाइल किसी भी GB रैम का हो या फिर कोई भी ब्रांड का हो, इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे बेस्ट फायर बटन साइज की। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वीडियो के लास्ट पे हम लोग 5 बड़े यूट्यूबर्स के बेस्ट फायर बटन साइज को भी जानें कि आखिर यूट्यूबर्स किस फायर बटन साइज का यूज करके हेडशॉट्स मारते हैं। क्या सच में बड़े फायर बटन साइज को रखने पर हमारे हेडशॉट्स नहीं लगते, और क्या सच में छोटे फायर बटन साइज से बहुत ही ज्यादा हेडशॉट्स लगते हैं? तो देखो एक प्रूफ के साथ समझो। सबसे पहले मैं अपने फायर बटन के साइज को 90% पर रखूंगा, यानी कि फायर बटन की साइज को मैंने काफी बड़ा किया है। एंड अब मैं ट्राई कर रहा हूँ डेजर्ट ईगल से हेडशॉट्स मारने, एंड बैकग्राउंड पर तुम लोग देखो कि मैं कितने में से कितने हेडशॉट्स मारता हूँ एंड मेरी कितनी बुलेट्स मिस होती है एंड कितने बुलेट्स बंदे को नहीं लगती। तो देखो बड़ा फायर बटन साइज होने के बावजूद डेजर्ट ईगल से काफी अच्छे खासे हेडशॉट्स लगे। सो अब मैं ट्राई करता हूँ UMP गन, तो चलो देखते हैं कि UMP गन से भी वैसे हेडशॉट्स लगेंगे। सो बैकग्राउंड पर देखो कि मैं कितना ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ बंदे को हेडशॉट मारने, एंड यहाँ पर तुम लोग मेरे फायर बटन को भी देखो, क्योंकि मैं अपने फायर बटन को काफी ऊपर तक ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे हेडशॉट्स नहीं लग रहे। यानी कि बड़े फायर बटन के साइज होने पर हम लोग वन टैप तो मार सकते हैं लेकिन हमारे ड्रैग हेडशॉट अच्छे से नहीं लगते। और जैसे ही मैंने अपने फायर बटन की साइज को अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग पर रखा, देन इसके बाद जो हुआ तुम लोग यहाँ बैकग्राउंड पर देख, उसके बाद मेरे UMP से भी गजब के हेडशॉट्स लगने लगे। और बिलीव करो मैं हल्का सा ड्रैग भी कर रहा हूँ फिर भी बंदे को हेडशॉट्स ही लग रहे हैं। तो चलो अब जानते हैं कि हमारी गन्स में रिकॉइल किस फायर बटन साइज पर ज्यादा हो, यानी कि बड़े फायर बटन साइज पर या फिर छोटे फायर बटन साइज पर। तो देखो इस वीडियो क्लिप को तुम लोग स्लो मोशन पर देखो, यहाँ पर मैंने छोटे फायर बटन साइज का यूज करके UMP गन का यूज किया, तो यहाँ पर तुम लोग देखो कि मेरे कितने बुलेट्स बंदे को लग रहे हैं एंड कितने बुलेट्स रिकॉइल हो रही। अच्छा है, मैं अंधा हूँ। तो चलो अब मैं अपने फायर बटन साइज को बड़ा कर लेता हूँ, तो अब देखते हैं कि गन्स में वैसे रिकॉइल्स होगी या फिर उससे भी ज्यादा हो। तो इस वीडियो को तुम लोग स्लो मोशन पर देख, जब तुम लोग पूरे ध्यान से इस फायरिंग पर ध्यान दो तो तुम्हें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिले। इसका मतलब कि बड़े फायर बटन साइज के होने पर हमारे रिकॉइल्स भी ज्यादा होती है, और यही कारण है कि सारे यूट्यूबर्स तुम्हें बड़े फायर बटन साइज को रखने से मना करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि तुम्हारे मोबाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट फायर बटन साइज क्या हो, देन यूट्यूबर्स के सीक्रेट हेडशॉट फायर बटन साइज को भी बताऊं। सो देखो अगर तुम्हारा मोबाइल का रैम 2GB या फिर 3GB रैम का हो, अब जैसा कि मैंने सेंसिटिविटी वाले वीडियो पर बताया कि इस अपडेट पर तुम्हारे मोबाइल का टच रिस्पॉन्स को भी इंक्रीज किया गया, सो इस बार तुम लोग अपने फायर बटन साइज को 51% पर रखना। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रहा, इसका यूज करने पर गजब के हेडशॉट्स लगेंगे। एक बार तुम लोग ट्रेनिंग पर जाकर इस फायर बटन साइज का यूज करके देख, तुम लोग चाहो तो इससे भी छोटा कर सकते हो लेकिन बड़ा नहीं करना, क्योंकि साइज को इससे बड़ा रखने पर तुम्हारे हेडशॉट भी बहुत ही कम लगेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मोबाइल का रैम 4GB हो, तो जिनका मोबाइल का रैम 4GB का हो, वो सभी अपने फायर बटन साइज को 47% पर रखना, या फिर तुम लोग चाहो तो 48% पर भी रख सकते, लेकिन हाँ इससे ज्यादा छोटा नहीं करना, इससे छोटा करने पर तुम्हें टच प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ट्रेनिंग पर जाकर इन दोनों में से किसी एक का चूज कर, और गेम प्ले करने पर जिससे भी ज्यादा हेडशॉट्स लगे उसी को ट्राई करना। ओके।
लेकिन अगर तुम्हारे मोबाइल का रैम 6GB या फिर 8GB रैम का हो, क्योंकि ये दोनों मोबाइल का रैम काफी ज्यादा, और ऐसे मोबाइल्स पर तुम्हें टच प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, और साथ ही तुम्हारे मोबाइल का सेंसिटिविटी भी काफी हाई रहता है, भाई मुंह की बात छील ले, तो 6GB एंड 8GB रैम वाले अपने फायर बटन के साइज 45% पर रखो। ध्यान से समझो, अगर तुम लोग इससे भी छोटा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उस पर फिर से तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, या तो फायर बटन तुम्हारा क्लिक होगा ही नहीं, और अगर तुम लोग स्नाइपर्स का यूज करते हो देन उस पर भी तुम्हें काफी प्रॉब्लम्स हो, तो उससे अच्छा अपने फायर बटन साइज को 45% पर रखो। तो चलो अब जानते हैं यूट्यूबर्स के 5 ऐसे फायर बटन साइज जिनका यूज करके वो गजब के हेडशॉट्स मारते हैं। नंबर 1, पागल M10। तो पागल M10 ने अपने फायर बटन साइज को एक वीडियो पर शो किया था, एंड उन्होंने अपने फायर बटन के साइज को इतना रखा था, एंड उनके वीडियोस पर जो भी गेम प्ले होती है वो इन्हीं फायर बटन साइज का यूज करके ही रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 2, राइस्टार। अब देखो, अभी राइस्टार तो पीसी पर खेलते हैं, लेकिन जब वो मोबाइल पर खेलते थे तो उन्होंने अपने एक वीडियो पर शो किया था अपने फायर बटन साइज, तो तुम लोग भी चाहो तो इस फायर बटन साइज को ट्राई कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है जेरोक्स FM। इसने भी अपने कस्टम HUD वाले वीडियो पर अपने फायर बटन को शो किया, एंड इनका गेम प्ले तुम लोगों ने भी देखा होगा कि ये कैसे खेलते, तो तुम लोग चाहो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 पे आता है हैंडसम FM, एंड अगर अभी तक इसका गेम प्ले तुम लोगों ने नहीं देखा देन तुम लोग डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से जाके देख, सो बैकग्राउंड पर इसके फायर बटन साइज को देखो, एंड तुम लोग चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। नंबर 5, यानी कि मेरा फायर बटन साइज। मैं एक सीक्रेट फायर बटन साइज का यूज करता हूँ, और अगर तुम्हें उस फायर बटन साइज को जानना है तो डिस्क्रिप्शन से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर मैं अपने फायर बटन साइज की एक फोटो पोस्ट करूँगा।